बेटा आज हम लोग रिडक्शन को बैलेंस करें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। पिछले लेक्चर पे इसको हम लोग बैलेंस किया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। चलो देखते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, पिछले लेक्चर पे नहीं हो पाया था। ये एक बार सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया था, देखें क्वेश्चन। हाउ मैनी मोल्स आप केमनो फोर इज रिड्यूस्ड बाई वन मोल फेरस ऑक्सीलेट इन एसिडिक मीडियम। ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भैया केमनोफोर एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर केमनोफोर ले लेते हैं, फेरस ऑक्सीलेट ले लेते हैं, एसिडिक मीडियम यहाँ पर मान लो H2SO4 ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि आप H2SO4 लो, यहाँ पर K2SO4 बन जाएगा, ये MnSO4 बन जाएगा। MnSO4 बनेगा या नहीं बनेगा इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, तो एसिडिक मीडियम में हमेशा Mn डबल प्लस में बदलता है, तो डबल प्लस में बदलता है। और ये जो फेरस है ये फेरिक में बदल जाएगा, और जो ऑक्सीलेट है ये CO2 गैस में बदल जाएगा। कुछ चीज़ें हमेशा जानना होगा, जब फेरस का ऑक्सीडेशन होगा तो हमेशा वो फेरिक में बदलेगा, ये चीज़ आप जानते ही रहिएगा। अब ये हो गया, इसको तोड़ लिया जाए तो भैया तोड़ेंगे तो ये K प्लस हो जाएगा, MnO4 माइनस, Fe डबल प्लस, C2O4 डबल माइनस, H प्लस, SO4 डबल माइनस, K प्लस, SO4 डबल माइनस, Mn डबल प्लस, SO4 डबल माइनस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन चीज़ों को आप हटा दो, जैसे पोटेशियम इधर भी है, पोटेशियम इधर भी, कितना इससे मतलब नहीं है, हटा दिया जाए। H प्लस इधर है, H प्लस नहीं हटेगा, सॉरी H प्लस दूसरी साइड में नहीं है, ये नहीं हटेगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक छूट गया, यहाँ पर वाटर भी होना चाहिए था। SO4 इधर है, SO4 इधर भी है, जितने SO4 है सबको हटा दो। तो यहाँ पर बचा क्या, MnO4 माइनस, यहाँ पर Fe डबल प्लस, यहाँ पर C2O4 डबल माइनस, यहाँ पर H प्लस बच गया, यहाँ पर Mn डबल प्लस, यहाँ पर Fe ट्रिपल प्लस, यहाँ पर CO2 और ये H2O बच गया। अब ध्यान दें बेटा, ये थोड़ा सा अलग है अन्य रिएक्शन से। अन्य रिएक्शन से अलग कैसा है, अलग इसलिए है कि यहाँ पर दो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही हैं, मतलब यहाँ पर तीन रिएक्शन बचेंगे बनेंगे। MnO4 माइनस ये बदलेगा Mn डबल प्लस में, यहाँ पर Fe डबल प्लस ये बदलेगा Fe ट्रिपल प्लस में, ट्रिपल प्लस में, और C2O4 डबल माइनस ये बनेगा CO2 में, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें बेटा, एक एक ये ऊपर वाला रिडक्स रिएक्शन है, मतलब सॉरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, और ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर पहले रिडक्शन वाले को बैलेंस किया जाए, तो बैलेंस करने का तरीका बताए थे, पहले उस आइटम को बैलेंस करेंगे जिसके ऑक्सीडेशन में चेंज हुआ, Mn चेंज हुआ, Mn बराबर है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन कम होता है उधर उतने ही वाटर जोड़ते हैं एसिडिक मीडियम में, तो Mn मतलब राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कम है इसलिए इधर 4 वाटर जोड़ दिए। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भैया अपोजिट साइड में हो जाएगा 8H+,
अपोजिट साइड में हो जाएगा ए टी एच प्लस, ये चीज हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दें, आठ प्लस है और एक माइनस है, सात प्लस है, यहां पर दो प्लस है, तो डिफरेंस कितने का भी है, पांच प्लस का, इसलिए इधर पांच इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें नीचे वाले को बैलेंस करें, एफ ई वाले को, इधर सब कुछ बैलेंस है, केवल चार्ज नहीं बैलेंस है, तो इधर दो प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में तीन है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दें। यहाँ पर सी टू ओ फोर को बैलेंस करें, तो यहाँ पर दो सी कार्बन है, यहाँ पर एक ही है, तो टू सी ओ टू कर दिए, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ पर दो माइनस है, यहाँ पर कितना है भैया, दो माइनस नहीं है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन कर देंगे। अब ये ध्यान दो, दोनों ऑक्सीडेशन हाफ को जोड़ देंगे, तो दोनों ऑक्सीडेशन हाफ को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर एफ ई डबल प्लस हो गया और ये सी टू ओ फोर डबल माइनस हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर एफ ई ट्रिपल प्लस हो गया और ये टू सी ओ टू हो गया, यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन सही रूप से कह पाएंगे। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया दो, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया एक। अब यहाँ पर ध्यान दें भैया, यहाँ पर पांच इलेक्ट्रॉन हैं रिडक्शन में और नीचे वाले में तीन हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, जब हमें कम्पटेटिव जैसे स्कूल लेवल पर आप लिख रहे हो तब तो आपको पूरा करना पड़ेगा, कम्पटेटिव लेवल पे कर रहे हो तो आपको पूरा बैलेंस करने की जरूरत है, अभी आगे आपको करने की जरूरत नहीं। यहाँ से अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन है और ऊपर पांच इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ऊपर वाले को आप तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो MnO4 के तीन मोल हो जाएंगे और नीचे वाले को पांच से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले का पांच मोल हो जाएगा। हालांकि हम बैलेंस करके लिख दे रहे हैं पूरे को, यहाँ पर ध्यान दें बैलेंस करके लिख दे रहे हैं, लेकिन आप पूरा अगर एक एक लाइन लिखने लगोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक भैया, तो यहां पर आप लिखेंगे 3MnO4 माइनस, यहां पर ध्यान दें ये, इसको आप यहां पर देखें 8H प्लस है और यहां पर देखें ये दो प्लस दो माइनस, इसको जुड़ जाएगा तो ये 5FeC2O4 एक साथ लिख सकते हो, और यहां पर 8 3 24H प्लस, ये हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा भैया, इधर देखें यहां पर 3Mn डबल प्लस और चार तीन 12 वाटर हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे। इधर देखें पांच से इसको मल्टीप्लाई किए हैं, 5Fe ट्रिपल प्लस हो जाएगा और पांच से गुणा किए हैं तो 10 CO2 हो जाएगा और यहां पर चार से गुणा किए हैं तो 12 वाटर हो जाएगा, ये हो गया बैलेंस में। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो या ये चीज देखो, यहाँ पर तीन मोल मिले हैं और यहाँ पर ये पांच मोल मिला है, तो ये चीज यहीं से क्लियर हो रहा था कि जब इसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो MnO4 के पहले तीन आ जाएगा और इसके पहले पांच आ जाएगा, यही क्लियर हो गया। तो पूरा आपको जो इतना टाइम इसको जोड़ के लिखने में लगा वो टाइम आपका बच जाएगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ MnO4 इज रिड्यूस्ड बाई वन मोल फेरस ऑक्सीलेट। तो यहाँ पर देखें पांच मोल फेरस ऑक्सीलेट रिड्यूस करता है तीन मोल को, 5 मोल एफ ई सी टू ओ फोर रिड्यूसेस 3 मोल MnO4 या KMnO4 कर दो, तो वन मोल एफ ई सी टू ओ फोर एफ ई सी टू ओ फोर रिड्यूसेस 3/5 मोल KMnO4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर 3/5 मोल आर पॉइंट 0.6 मोल, जो भी आंसर में होगा आप बताएंगे। इस तरह से एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर टू इसी सेम पैटर्न पे, हाउ मेनी मोल्स
ऑफ K2Cr2O7 इज रिड्यूस्ड बाई 1 मोल SnCl2 इन एसिडिक मीडियम। सेम क्वेश्चन है यहां पर भैया, K2Cr2O7 है, एसिडिक मीडियम है SnCl2, Cl है तो यहां पर आप HCl ले सकते हैं, यहां पर 2KCl हो जाएगा, यहां पर CrCl3 हो जाएगा, यहां पर वाटर बन जाएगा, बैलेंस करके नहीं लिख रहे हैं, यहां पर SN बदल जाएगा SnCl4 में। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, जैसे यहां पे बता दें कि जो Cr प्लस है, Cr ये प्लस 6 में अगर है तो ये Cr प्लस 3 में एसिडिक मीडियम में जाएगा, Mn प्लस 7 है तो ये प्लस 2 में जाएगा, ज्यादातर यही होगा, एसिडिक में हमेशा होगा। Fe डबल प्लस है तो ये ट्रिपल प्लस में जाएगा, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, या अगर ये ट्रिपल प्लस है तो ये डबल उल्टा हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसमें जाएगा। अब Sn डबल प्लस हमेशा प्लस 4 में जाएगा, या प्लस 4 है तो प्लस 2 में जाएगा। Pb डबल प्लस है तो प्लस 4 में जाएगा, हालांकि प्लस 4 कम स्टेबल होता है, Pb प्लस 4 कम स्टेबल होता है, प्लस 2 ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये आपको खुद ही मालूम होना चाहिए कि कौन किस में बदलेगा। तो अब जैसे हमने यहाँ पर SnCl2 है, यहाँ पर SnCl4 कैसे रिएक्शन तो लिखा नहीं है, K2Cr2O7 है, यहाँ पर CrCl3 कैसे लिख दिए, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसका प्लस 6 है तो ये प्लस 3 में जाएगा, तो 3Cl जुड़ेगा। कॉमन चीज़ों को हटा दिया जाए, यहाँ पर ध्यान दें कॉमन चीज़ें क्या है, यहाँ पर पोटेशियम दिख रही है, यहाँ पर Cl दिख रहा है, यहाँ पर Cl दिख रहा है, यहाँ पर के और Cl दिख रहा है, यहाँ पर Cl दिख रहा है, यहाँ पर Cl दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर Cr2, यहाँ पर दो पोटेशियम हटाएं इसका मतलब 2 माइनस आ जाएगा, दो Cl हटाएं इसका मतलब यहाँ पर 2 प्लस आ जाएगा, यहाँ पर एक Cl हटाए तो H पर एक प्लस होगा, यहाँ पर ये 2 से मतलब नहीं है, यहाँ पर Cr से 3Cl हटाए तो 3 प्लस आ जाएगा, SN से 4Cl हटाए तो 4 प्लस आ जाएगा। वाटर आयन में बदलता ही नहीं। अब इसको तोड़ लो, Cr2O7 डबल माइनस, यहाँ पर Cr ट्रिपल प्लस, यहाँ पर SN डबल प्लस, यहाँ पर SN प्लस 4, ये हो गया भैया। अब यहाँ पर आपको बताया जाए तो Cr को पहले बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2Cr कर दो, वाटर ऑक्सीजन को बैलेंस करना, इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर 7 वाटर कर दो, हो गया। अब इधर 14H बढ़ गया तो इधर 14H प्लस कर दो, पिछले लेक्चर बताया गया था। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए 14H प्लस है, मतलब 14 प्लस है, यहाँ पर 2 माइनस है तो 12 प्लस है, इधर 2 3 6 प्लस है, तो 12 प्लस और 6 प्लस, अंतर 6 प्लस, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। नीचे वाले में कुछ बैलेंस ही नहीं करना, केवल चार्ज बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 2 प्लस है, इधर 4 प्लस है, तो इधर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। अब देखें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, अब ये चीज़ें हमें तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप खुद ही देख लो, जैसे आपको होता है पूरा बैलेंस करके एकदम एग्जैक्ट ना लिखो, यहीं से अंदाजा लगा लो, यहाँ पर 3 से आपने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर 3 मोल आ जाएगा, यहाँ पर 1 मोल आ जाएगा, तो बस यहीं से आप चाहे तो डायरेक्ट लिख लें। यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर Cr2O7 डबल माइनस, 3SN डबल प्लस, 14H प्लस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2Cr ट्रिपल प्लस, SN प्लस 4, यहाँ पर 7H2O।
ये चीजें हो जाएंगी। अब यहां पर ध्यान दो, तीन मोल रिड्यूस करता है एक मोल को, थ्री मोल एसएन डबल प्लस रिड्यूसेस वन मोल के टू सी आर टू ओ सेवन। तो वन मोल एसएन डबल प्लस रिड्यूसेस वन बाई थ्री मोल के टू सी आर टू ओ सेवन, ये हो जाएगा। हो जाएगा भैया, ये हो गया आंसर। चलो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दोनों मेथड सिखा दे रहे हैं आपको, जो अच्छा लगेगा उससे बैलेंस करके बता देना। वैसे ज्यादातर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस करना, क्योंकि ज्यादातर वैसा ही दिया रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहे हैं और वहीं से समझाना शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ पर MnO2 लिखा गया, यहाँ पर HCl लिखा गया, MnCl2 लिखा गया भैया, ये Cl2 गैस लिखी गई, H2O लिखा गया। यहाँ पर क्या करेंगे, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, जैसे प्लस फोर माइनस टू प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस वन नॉट टू जीरो प्लस वन माइनस टू। अब देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन चेंज हुआ, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है और Cl- का चेंज हुआ है, Cl2 में बदला है। तो दो हाफ रिएक्शन बनाएंगे, एक मैग्नीज के लिए बना लेते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर उनका लिखे रहेंगे, और दूसरा HCl मतलब वाला ले लेते हैं। ये चीज यहां पर ध्यान दें, Mn डबल प्लस बदल रहा है किसमें भैया, Mn प्लस फोर बदल रहा है Mn प्लस टू में, तो इसका मतलब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तब ये रिड्यूस होगा, दो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो रिड्यूस होगा। यहाँ पर माइनस वन ये जीरो में बदल गया, माइनस वन जीरो में बदल गया। अब ये ध्यान दो, पहले तो यहाँ पर हम लोग इसको Cl को बैलेंस कर लें, यहीं पे यहाँ पर एक Cl था, यहाँ पर दो है, दो Cl कर लिए। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये हो गया, यहाँ पर एक Cl से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो दो Cl से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन निकला और ऊपर दो इलेक्ट्रॉन जुड़ा, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जितना जुड़ा उतना ही निकलना चाहिए। अगर ये बैलेंस है तो फिर सीधे जोड़ दो, अगर मान लो यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन ऊपर निकलता जुड़ता और नीचे दो निकलता तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। मान लो, मान लीजिए होता है नहीं ऐसा, लेकिन मान लें कि यहाँ पर तीन है और ऊपर दो है, तो फिर आप इसको तीन से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर संजोग ऐसा है कि जो एग्जांपल आपने लिया है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन निकला है उतना ही जुड़ा है, तो फिर आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दो ही इलेक्ट्रॉन है तो दो ही लिखा जाएगा, तीन नहीं लिखा जाएगा। अब अगर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो फिर हम लोग इसको जोड़ देंगे ऐसे। और यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हो जाएगा MnO2, यहाँ पर 2HCl, यहाँ पर MnCl2, यहाँ पर Cl2, और यहाँ पर H2O तो है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब ध्यान दें, हम लोग फिर बैलेंस करना शुरू करेंगे, पहले उस आइटम को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो ऐसा अगर करते हैं तो यहाँ पर दो एटम ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन चेंज हुआ, मैग्नीज और Cl, तो उनमें भी उस एटम को पहले बैलेंस करते हैं जो संख्या में कम है। अगर ऐसा है तो उस एटम को पहले बैलेंस करते हैं जो संख्या में कम है, तो चूंकि मैग्नीज संख्या में कम है तो इसलिए हम लोग इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छा, ये एक मैग्नीज है, यहाँ पर भी एक मैग्नीज है, दिया ही है।
फिर सीएल बैलेंस करते हैं, यहाँ पर दो सीएल है, प्रोडक्ट साइड में चार सीएल है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो सीएल को बैलेंस कर लेते हैं तो नीचे भी चार सीएल कर लेते हैं, तो ये सीएल बढ़ेगा कैसे, एच सी एल की संख्या बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर फोर एच सी एल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया एम एन सी एल टू और यहाँ पर हो गया सी एल टू, ये हो गया भैया, ये चीज हो गया। अब उन आइटम्स को बैलेंस कर लिया गया है जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बदली थी, ऑक्सीडेशन नंबर बदला था। अब आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा। इधर देखें रिएक्टेंट साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दो ऑक्सीजन हैं और इधर ऑक्सीजन नहीं है प्रोडक्ट साइड में, तो हम लोग प्रोडक्ट साइड में क्या करेंगे, दो वाटर जोड़ देंगे, दो वाटर जोड़ देंगे, यहां पर दो वाटर जोड़ दिए तो संयोग से हाइड्रोजन भी, ये देखो बैलेंस हो गया, चार हाइड्रोजन यहाँ पर, चार हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी अपने आप ही बैलेंस हो गया ऐसा करने पर, तो ये चीजें हो गई। अब बैलेंस हो गया, क्वेश्चन वैसे ही पूछेंगे जैसे ये एक मोल है, तो एक मोल ये चार मोल है, मतलब एक मोल MnO2 कितने मोल HCl को ऑक्सीडाइज करेगा, आंसर होगा चार, ये बैलेंस कर ही रहोगे तभी बताओगे। यहाँ पर बैलेंस करके दिखाना नहीं है, क्वेश्चन अलग टाइप से पूछेंगे, जैसे अभी ऊपर दो क्वेश्चन कराया गया या पीछे यहाँ पर बताया गया था, पिछला जब कल बैलेंस करना सिखा रहे थे तो यहाँ पर मान लो दिया गया है कि यहाँ पर X लिख दिया गया मैग्नीज के बगल, Cl के बगल Y लिख दिया गया, तो एक्स वाई की वैल्यू बताओ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगला मेथड नहीं एग्जाम्पल सेकेंड यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कापर ले रहे हैं, HNO3 ले रहे हैं, यहाँ पर कापर NO3 होल ट्वाइस लिख दे रहे हैं, यहाँ पर NO2 लिख दे रहे हैं H2O, ये चीज इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम इसको एक बार फिर, वो क्वेश्चन है यहाँ पर हम फिर से लिख दे रहे हैं HNO3, यहाँ पर Cu NO3 होल ट्वाइस NO2 यहाँ पर H2O, यहाँ पर कापर का सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, जीरो प्लस वन प्लस फाइव माइनस टू प्लस टू प्लस फाइव माइनस टू प्लस फोर माइनस वन प्लस वन माइनस टू, तो देखेंगे किसका किसका ऑक्सीडेशन बदला है। कापर का ऑक्सीडेशन नंबर बदला है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कापर का ऑक्सीडेशन नंबर बदला है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर प्लस टू प्लस फाइव माइनस टू, बाकी सबका लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस जिसका बदला है उसी का लिखें, यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर HNO3 का बदला है, नाइट्रोजन का ये प्लस पाँच था और ये NO2 हो गया प्लस चार हो गया प्लस चार। संयोग से यहाँ पर ध्यान दें, ये दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं और ये पाँच से चार हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये इसको दो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी यू टू एच एन ओ थ्री, सी यू एन ओ थ्री होल ट्वाइस, यहाँ पर 2NO2, यहाँ पर ध्यान दें ये हो जाएगा। अब हमें आइटम जिनका ऑक्सीडेशन बदला है उनको बैलेंस करना पड़ेगा, तो कापर का बदला है,
कॉपर खुद ही वैलेंस है, ये कॉपर है, सी यू है। फिर नाइट्रोजन का बदला, इधर रिएक्टेंट साइड में दो नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट में दो हैं और यहाँ पर चार हैं, तो दो और दो चार हैं, तो इसका मतलब आगे हम लोग चार एच एन ओ थ्री कर लें, आगे हम लोग फोर एच एन ओ थ्री कर लें, चूँकि नाइट्रोजन की संख्या बैलेंस करना है। तो ये सी यू एन ओ थ्री होल ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ पर टू एन ओ टू हो जाएगा, ये हो गया भैया। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग क्या करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर तीन दूनी छः और चार दस है, इधर बारह है, तो इसका मतलब इधर हमें कुछ हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या करें, फोर एच एन ओ थ्री है, यहाँ पर सी यू एन ओ थ्री होल ट्वाइस ये, और यहाँ पर टू एन ओ टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू एच टू ओ बैलेंस हो गया। ये कंसंट्रेट रहा होगा, डाइल्यूट देख लिया जाए, यहाँ पर एग्जांपल थ्री, यहाँ पर सी यू, यहाँ पर एच एन ओ थ्री, कंसंट और डाइल्यूट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, यहाँ पर एन ओ थ्री होल ट्वाइस, यहाँ पर एन ओ, यहाँ पर एच टू ओ, यहाँ पर फिर से अब बैलेंस करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर सी यू, यहाँ पर एच एन ओ थ्री, यहाँ पर सी यू एन ओ थ्री होल ट्वाइस, यहाँ पर एन ओ, यहाँ पर एच टू ओ, यहाँ पर जीरो प्लस एक प्लस पाँच माइनस दो, प्लस दो प्लस पाँच माइनस दो, प्लस दो माइनस दो, प्लस एक माइनस दो, यहाँ पर सी यू, यहाँ पर जीरो से ये हो गया प्लस दो, और एच एन ओ थ्री ये हो गया एन ओ, ये प्लस पाँच से प्लस दो, यहाँ पर देखो ये दो, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन निकला होगा और यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा, प्लस तीन, बराबर करने के लिए ऊपर तीन से और नीचे दो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कम्पिटेटिव लेवल पे ज़्यादा अच्छा होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्योंकि वहाँ पे अंदाज़ा लग जाता है कि क्या बन, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद अंदाज़ा लग जाता है कि कौन कितने मोल रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लग पाता। यहाँ पर थ्री सी यू, यहाँ पर टू एच एन ओ थ्री, यहाँ पर थ्री सी यू एन ओ थ्री होल ट्वाइस, यहाँ पर टू एन ओ हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, कॉपर पहले बैलेंस कर लिया जाए, बैलेंस है नाइट्रोजन, इधर दो तिहाई छः त्रिक अठारह और दो बीस है, और इधर कितना है, दो तिहाई छः है, तो बीस करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बीस करने के लिए थ्री सी यू, यहाँ पर हम लोग दस, इधर ऑक्सीजन कितना है, तीन दूनी छः त्रिक अठारह और यहाँ पर दो बीस, जबकि यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है और दो तिहाई छः ही हैं, तो बीस कैसे होगा, यहीं पर बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लो हम लोग कितना लिखें, छः लिख देंगे तो छः त्रिक अठारह हो जाएगा, सात लिखेंगे तो इक्कीस हो जाएगा, यहाँ पर आठ कर दें, आठ त्रिक चौबीस हो जाएगा, आठ क्यों कर दिया गया, चूंकि वाटर भी बनेगा, तो यहाँ पर देखो ये चार हाइड्रोजन के साथ चार वाटर बनेगा, तो चार ऑक्सीजन उधर और बढ़ जाएगा, थ्री
CuNO3 होल ट्वाइस, यहाँ पर 2NO, यहाँ पर 4H2O। अब ये ध्यान दें, आठ करने से 8 3 24 ऑक्सीजन हो गया, और इधर 20 यहाँ तक था ही, ये चार वाटर बनेगा तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ये 3 Cu जो है ये 8HNO3 से रिएक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा। चलो बेटा, तो ये था रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो गया और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी हो गया। अब एप्लीकेशन हम देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन नंबर। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, पहला इन डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग आर रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिवाइड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर एग्जांपल पहले हम लोग लेंगे KMnO4 का, KMnO4। तो भैया यहाँ पर ध्यान दें, एसिडिक मीडियम, यहाँ पर 2 KMnO4, यहाँ पर हो जाएगा 3H2SO4, K2SO4, 2MnSO4, 3H2O, 5 nascent oxygen। ये ध्यान दें, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। रिएक्शन आपको जरूरी नहीं कि याद रखें, ये मॉलिक्यूलर मास बाय 5 एसिडिक मीडियम में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, +7 से +2 तक। ये भी कई बार पूछ लेता है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये भी याद रखिएगा, +5 से +2 तक। अब ये मॉलिक्यूलर मास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, मॉलिक्यूलर मास इसका 158 होता है, ये 5 से डिवाइड कर देंगे 31.6 हो जाएगा। ये एसिडिक मीडियम में था। बेसिक मीडियम देखा जाए, बेसिक मीडियम यहाँ पर 2K2MnO4 सबसे ज्यादा बेसिक मीडियम में ही पूछा जाता है, H2O और एक ऑक्सीजन आइटम।
यहाँ पर प्लस सेवन है, ये प्लस सिक्स है, तो यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा m बाई वन, दैट इज m, दैट इज 158। m सबसे ज़्यादा ऑप्शन में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। चेंज प्लस सेवन से प्लस सिक्स तक होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम न्यूट्रल मीडियम में ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस सेवन, यहाँ पर प्लस फोर, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास बाई थ्री हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास 158 बाई थ्री, दैट इज 52.66। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सेवन से प्लस फोर तक, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इक्विवेलेंट मास आपके 2Cr2O7, इन आयडोमेट्रिक टाइट्रेशन एक बार पूछा गया था, AITEE एग्जाम होता है, एंड इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में, यहाँ पर ध्यान दें, तो एसिडिक मीडियम में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको K2Cr2O7 को, यहाँ पर 4H2SO4, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर प्लस 6, यहाँ पर प्लस 3, दो क्रोमियम का प्लस 6 इंटू 2 प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ पर दो क्रोमियम का प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास 6 एसिडिक मीडियम में और आयडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। ध्यान रखिएगा आयडोमेट्रिक टाइट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आयडोमेट्रिक टाइट्रेशन में पूछने का मतलब ही था कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो एसिडिक मीडियम मतलब टाइट्रेशन होता है वो हम लोग एसिडिक मीडियम में ही करते हैं। यहाँ पर बेसिक मीडियम अगर ले लें, बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट मास सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता ही नहीं है, बेसिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता ही नहीं है, और ये पूछा था बेसिक मीडियम में, खूब पूछा था, इक्विवेलेंट मास नहीं लेकिन कुछ और पूछा था, जैसे यहाँ पर ध्यान दें भैया, ये 2KOH ले लिए, तो ये बदल जाएगा 2K2CrO4, यहाँ पर H2O,
अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको आप कॉमन आयन को कैंसिल कर दें, एक तो ये ऑरेंज होता है और ये येलो हो जाता है। तो बेसिक मीडियम में कलर इसका पूछता है, ध्यान रखिएगा, या ये पूछता है कि किस में बदलेगा, तो Cr2O7 डबल माइनस बेसिक मीडियम में बदल जाता है भैया Cr4 में, Cr4 डबल माइनस में ये बदल जाता है। ये pH 4 पर दोनों इक्विलिब्रियम में भी रहते हैं, ध्यान रखिएगा pH 4 पर ये दोनों आयन इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो बेसिक मीडियम में किस में बदलता है ये पूछता है, और बेसिक मीडियम में इसका कलर क्या हो जाता है ये पूछता है यहाँ पर K2Cr2O7 के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दें बेटा। एक और चीज़ हम आपको बताना पसंद करेंगे, यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन आप लोगों की बुक में बना है Na2S2O3, यहाँ पर I2 ले हैं, यहाँ पर 2NaI, 2Na सॉरी ये हो जाएगा Na2S4O6 2NaI, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पर +2.5 है, तो दो सल्फर है तो दो का ऑक्सीडेशन हो जाएगा 2 × 2, तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर दो ही, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर दो ही सल्फर है तो यहाँ पर ही दो ही सल्फर का लगे 2 × 2.5, तो यहाँ पर जो चेंज होगा वो +4 से +5 का होगा, तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मालिकुलर मास / 1, दैट इज मालिकुलर मास। ये चीज, ये फार, ये बहुत सारे बुक में बना हुआ है Na2S2O3, लेकिन कई बुक में I2 का पूछता है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, तो I2 का 0 से कितना हो गया भैया, फार I2, I2 का हो गया 0 से -1, 2 के लिए हो जाएगा, यहाँ पर 0 से -1 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से -2 हो गया, एक आयोडीन का -1 तो 2 का हो जाएगा -2, चार्ज से मतलब नहीं है ये फार I2, तो I2 का इक्विवेलेंट मास पूछेगा तो m/2 हो जाएगा। ये चीज़ भैया जानते रहिएगा। ये हो गया इक्विवेलेंट मास फाइंड करना, कुछ स्पेसिज का बता दिया गया। अब हम लोग एप्लीकेशन में एसिडिक स्ट्रेंथ, आप इसे पीछे ही पढ़ाया जा चुका है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रश्न होगा इलेक्ट्रोनिटी ऑफ सेंट्रल एटम और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, इफ सेंट्रल एटम सेम, इफ सेंट्रल एटम नॉट सेम। भैया यहाँ पर HClO4, HBrO4, HIO4, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिफ्टी के बेस पर देखेंगे इलेक्ट्रोनिफ्टी घट रहे हैं, सो एक्सटेंड डिक्रीजेस। HClO4 पर क्लोरिक एसिड है और स्ट्रांगेस्ट नॉन एसिड है भैया, यहाँ पर देखें HClO4। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे और क्या, HClO4, यहाँ पर HClO3, HClO2, HClO +7, +5, +3, +1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे चूंकि सेंट्रल एटम सेम है डिक्रीजेज, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। हो गया भैया, एक एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्ट H3PO4, ये H3PO3, ये H3PO2 हो गया, यहाँ पर +5, +3, +1,
यहाँ पर एस डी की स्ट्रेंथ उल्टे साइड में बढ़ रही है जहाँ पर घटना चाहिए था, एस डी की स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ लिया गया, आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक बेटा, ये चैप्टर हो चुका है।